चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। चुनाव तो बढ़िया रहेगा जी, आजाद समाज पार्टी का उसके साथ में ही है। सर जो इम्पोर्टेंट है, एक तो सड़कें कोई बहुत बुरा हाल है, सफाई का कोई सबसे बेकार हाल है। चेयरमैन तो जी इस बार आजाद समाज पार्टी के जो मोहम्मद भाई है, इनके हमारे सब समर्थक हैं। CCA में आपका स्वागत है। अभी हम थाना भवन में हैं, शामली ज़िले के थाना भवन में, और CCA की दो अलग अलग टीमें यहाँ के अलग अलग मोहल्लों में घूम रही है। लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या मुद्दे हैं इस बार निकाय चुनाव के, किन मुद्दों पर लोग वोट देंगे। थाना भवन के अभी हम नवीपुरा मोहल्ले में हैं, आइए ज़रा बात करते हैं यहाँ के स्थानीय लोगों से। नमस्ते माँ जी, क्या नाम आपका? राजवती जी, अभी चुनाव होने वाला है चेयरमैनी का, आप लोग यहाँ पर किसको वोट देने की सोच रहे हैं, किस पार्टी को, किस उम्मीदवार को? चंद्रशेखर को जी। आप चंद्रशेखर की पार्टी को दे रहे हैं। दर्शकों को बता दें, यहाँ गठबंधन जो है तीन पार्टियों का, सपा, रालोद और आज़ाद समाज पार्टी, और यहाँ पर आज़ाद समाज पार्टी के उम्मीदवार को टिकट मिला है गठबंधन से। क्यों आप चंद्रशेखर, आप मतलब ये इनका झंडा भी सामने से निकला आज़ाद समाज पार्टी का, क्यों आप चंद्रशेखर को मतलब आप उम्मीदवार नहीं देख रहे, आप सिर्फ पार्टी देख रहे हैं? जी वो तो हमारा है, अपने की तरफ पढ़ेंगे हम। अच्छा, हमारा है मतलब हमारे समाज से? हाँ, हमारे समाज से, अपनी बिरादरी का है। लेकिन यहाँ पर तो बहुजन समाज पार्टी भी है, बहन जी भी मतलब पुरानी तो पार्टी, दलित हमारे तो चंद्रशेखर ही है। आप चंद्रशेखर के साथ ही जाएंगे? जी ठीक है। और क्यों आपको पसंद है चंद्रशेखर, अगर बहन जी और चंद्रशेखर की बात करें तो क्यों आप? क्या कहते हैं, जो हमारी कौम जो है ये पर बढ़नी चाहिए, इन्हें मतलब ठुकरावे थे पहले, जब मतलब ये पर चढ़ेंगे जब भी तो कुछ मिलेगा हमें भी। हमारे बच्चे पढ़े लिखे हैं, नौकरी ना कुछ, घर में बैठे। क्या नाम आपका? राजवीर जी। राजवीर भाई, निकाय चुनाव है आपके कस्बे में, क्या माहौल लग रहा है, किस तरह का चुनाव रहता है? चुनाव तो बढ़िया रहेगा जी, आजाद समाज पार्टी का उसके साथ में ही है। जैसे कस्बे में कई तरह की सुविधाएं होती है कि भाई आम पब्लिक के लिए कोई पार्क हो या कोई खेल का मैदान या स्टेडियम, इस तरह की व्यवस्था कस्बे में थाने भवन में है? आज तक की कभी नहीं हुई ऐसी, जो भी बात सच है नहीं हुई आज तक की कभी नहीं हुई। जो पूर्व चेयरमैन है, जो इंतजार जा चुके, कुछ नहीं करवाया विकास। जो संजय शर्मा चेयरमैन थे, उन्होंने धर्मशाला जो भी मतलब बरात घर बहुत उन्होंने बहुत काम करवाए। अब का हम सोच रहे हैं, जो युवा लड़के हैं अपनी पार्टी को वोट दें, गठबंधन के साथ रहे अपना, जितना भाईचारा है, जितना समाज चलेगा, इस तरह चलेगा। हम तो देंगे। नमस्कार, क्या नाम है सर? अवनीश कुमार। अवनीश कुमार जी, क्या करते हैं अवनीश जी? मैं चिनाई का मिस्त्री हूँ जी। चिनाई के मिस्त्री हैं? तो आप चिनाई के मिस्त्री हैं, यहाँ मजदूरी कर रहे हैं आप। 5 सालों में ये जो अभी तक लगभग योगी जी का दूसरा टर्म चल रहा है, मजदूरों के लिए कैसी रही है ये सरकार? महंगाई ज़्यादा, बहुत ज़्यादा कर दी, बहुत ज़्यादा महंगाई कर दी। लेकिन अभी वो कोई पीछे कह रहे थे कि भाई हम तो मजदूर हैं, लेकिन यहाँ पर अनाज मिल रहा है इन्हें, फिर इन्हें यहाँ तक के पता है बस, अनाज तक के, बाकी इन्हें अनाज तक के पता, बाकी बाहर के बारे में कुछ नहीं पता। तो ये बताइए फिर, आप इस बार किसको वोट कर रहे हैं? आप कह रहे हैं महंगाई कर दी, योगी जी नहीं काम कर पाए मजदूरों के लिए। आज़ाद समाज पार्टी। क्यों जी? लड़का फील्ड में हर बंदे की मदद करता है। आप उम्मीदवार की बात कर रहे हैं या आप चंद्रशेखर की बात कर रहे हैं? मैं चंद्रशेखर की बात भी कर रहा हूँ, और ये जो सा अहमद उठ रहा है, क्या नाम है इसका, मोहम्मद अहमद, इनको सपोर्ट करेंगे। लेकिन बहुजन समाज पार्टी का भी यहाँ पर उम्मीदवार है, और आम तौर पे मुझे लग रहा है कि यहाँ दलितों में आम तौर पे पहले बसपा को वोट मिलती थी, ऐसा क्यों हो रहा है कि अब बसपा से लोग अब चंद्रशेखर की तरफ जा रहे हैं? माँ जी भी कह रही हैं वो चंद्रशेखर की तरफ जा रही है, आप लोग भी कह रहे हैं, ऐसा क्या कारण है? वैसे कारण है, सोच लो कि उसने पहले जो कुछ किया वो ठीक है अपने लिए करा, पर गरीब आदमी के लिए कुछ नहीं करा। बहन जी की बात कर रहे हैं? हाँ, तो आप किधर हैं भाऊ जी? आप हम तो बहन जी की तरफ ही हैं। आप बहन जी की तरफ हैं? पीढ़ियों में फर्क लग रहा है, एक पीढ़ी अभी भी बहन जी के साथ है, अब नई पीढ़ी लेकिन बसपा की तरफ। ये नौजवान जो कह रहे हैं और माझी भी इधर कह रही हैं कि ये सब लोग अभी चंद्रशेखर की तरफ जा रहे हैं, तो आप क्यों नहीं अभी तक मुड़े, या आपको क्यों लग रहा है कि बहन जी ज्यादा सही? तो बहन जी के साथ ही भी मन नहीं भरा। ये भी मन नहीं भरा। अच्छा, इस तरह से समर्थन मिल रहा है आपको, आपकी पार्टी? युवाओं को अच्छा समर्थन है, बुजुर्ग है थोड़े बसपा की तरफ चले गए, थोड़ा ये भाजपा से संजय शर्मा है, पूर्व चेयरमैन रहा है, थोड़ा काम वाम पे आए, इसलिए थोड़े से उधर फट रहे, लेकिन
एक तरफा आजाद समाज पार्टी जीतते यहाँ से। कस्बे की क्या स्थिति है पिछले 5 सालों में, किस तरह आप देखते हैं कुछ जनता के मुद्दों काम हुए हैं जनता के? जनता का ज़्यादा काम तो नहीं हुआ है। ऐसे आप नौजवान हैं, आपके लिए खेल के मैदान या दौड़ने का मैदान, दौड़ कर ये सुविधा है नहीं यहाँ पे भी, ठीक है। तो कहाँ जाते हैं नौजवान, कहाँ जाते हैं दौड़? ये रोड पे दौड़ते हैं सब। तो खतरा होता होगा? हाँ जी, खतरा होता है, टक्कर टुक्कर भी लग जाते हैं कहीं फिर, तो हमारे पैर में मोच माच है, टूटे फूट के रोड रहते हैं। ये भाई साहब मुझे लग रहा है पार्टी के ही कार्यकर्ता हैं, पार्टी का बिल्ला भी लगाया हुआ है। क्या नाम है सर? अरविंद कुमार। अरविंद जी, तो आप तो पार्टी में ही हैं क्या साथ? जी 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 हाँ। अच्छा, तो आपके उम्मीदवार का क्या, अब आपसे ये तो नहीं पूछूंगा कहाँ वोट कर रहे हैं, अब ये बताइए आपके उम्मीदवार का क्या लग रहा है? पूरी वो लग रहा है जी हमको, मतलब हम घूमते हैं तो हमें पूरा वो है कि वही बनेंगे, उन्हीं चेयरमैन भी उन्हीं का ही होएगा। अच्छा एक चीज़ बताइए, जैसे बहुत सारे मुद्दे होते हैं, शहरी मुद्दे होते हैं, ठीक है, जो चेयरमैन को या निकाय चुनाव के अंदर आते हैं, जैसे यहाँ नालियों की स्थिति हम देखें, यहाँ बंद नहीं हुई हैं कई सालों से, ढंग से नहीं बनी है। आपकी पार्टी का उम्मीदवार है इस बार, आप कौन से मुद्दे इस बार लोगों के बीच में लेकर जा रहे हैं? बिरादरी का तो चलिए एक सवाल है, समाज का एक सवाल है, लेकिन बहुत सारे और इस तरह के शहरी मुद्दे जो हैं, कौन से मुद्दों पर? यही मुद्दे लेकर जाते हैं, एक तो मतलब जो है कि कोई भी सड़क अपने कस्बे के अंदर कोई भी सड़क सही नहीं बनी हुई है, और एक बेरोजगारी भी है बहुत ज़्यादा, किसी को काम नहीं मिलता जल्दी से, ना कोई यहाँ पे फैक्ट्रियाँ है, कोई ऐसा वो नहीं है, ना कोई अस्पताल बन रहे ढंग पे, कोई ऐसी चीज़ नहीं बनी हुई है यहाँ पे जो कोई उसको सोचा कि भाई पिछली पार्टी वही वोट दें। तो इसलिए हम तो जो अपनी नई पार्टी चंद्रशेखर भाई की आज़ाद समाज पार्टी, उसी के साथ हैं, उसी के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे सफाई का एक बड़ा मुद्दा होता है शहर में, नालियाँ या इस तरह की चीज़ें सफाई होती है, तो जो कूड़ा होता है उसकी व्यवस्था कहाँ होती है कस्बे? उसकी व्यवस्था इधर ये बोलते हैं यहाँ पे जोड़ है, यहाँ पे वो उधर डालते हैं कूड़ा, यहाँ से ले जाकर उधर डाल देते हैं, यहाँ पे डालते हैं, ट्रांसफार्म है यहाँ पर मोहल्ले से थोड़े हटके, यहाँ से उठा के फिर वहाँ। जैसे कई नई तकनीक आ गई है कि भाई जो वेस्टेज कूड़ा है उसके प्लांट लगा रहे हैं, वेस्टेज प्लांट लग रहे हैं, इस तरह की कोई व्यवस्था है? इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई फैक्ट्री वगैरह कुछ नहीं। चेयरमैन तो जी इस बार आजाद समाज पार्टी के जो मोहम्मद भाई है, इनके हमारे सब समर्थक हैं यहाँ, और पूरी लगन से जो विजय भाई आ रहे हैं सबके साथ हैं हम, जो ये कह रहे कि अब इन क्या नाम आजाद समाज पार्टी के ये जिताने हैं मोहम्मद भाई, इस बार ही नहीं वोट देने की पूरी कोशिश है अपने। और भी कई सारे उम्मीदवार हैं भाजपा से, बसपा से, नहीं हम भाजपा को भी वोट नहीं देने के हम। आप यहाँ पर काम कर रहे हैं, स्पोर्ट्स शूज़ की मार्केटिंग करते हैं, तो उसमें तो बहुत लोगों से बातचीत होती है आपकी, और चुनावी बातचीतें भी होती होंगी लोगों से, तो क्या बाहर का आप पहले बताइए, आप तो चुनावी विश्लेषक हैं हमारे, बताइए ज़रा बाहर क्या हो रहा है? बाहर का ये है सर, जो हमारा दबा कुचला जो वर्ग है उसकी उन्नति करने के लिए हमें आज़ाद समाज पार्टी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा, हाँ जी, तो यहाँ पर जैसे बहुजन समाज पार्टी भी है, दलित समाज तो पहले तो एक बड़ा तबका बहुजन समाज पार्टी के साथ जाता था, अब मन क्यों बदल गया? सर मन ये बदल गया कि जो नया युवा है उसको जैसा आज़ाद भाई की जैसा ये है, इनकी जो युवा सोच है, बदलाव की सोच है, नई पीढ़ी है, नया उमंग है, शिक्षा चाहिए और जी रोजगार चाहिए, तो जो नया वो है वर्ग उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारे आज़ाद भाई की, तो हमें चंद्रशेखर आज़ाद की बहुत ही ज़रूरत है। कोई कौन कौन सी मुद्दे आपके लिए, खास करके चेयरमैन ही के चुनाव की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी बड़े चुनाव तो छोड़ दीजिए, इस चुनाव में आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है? सर जो इम्पोर्टेंट है, एक तो सड़कें कोई बहुत बुरा हाल है, सफाई का कोई सबसे बेकार हाल है, और पेंशन वगैरह जो बुजुर्ग महिला है उनके लिए सबसे बड़ी समस्या है, जो कोटा राशन मिलता है उसमें सबसे बड़ी समस्या है। अच्छा, कोटा राशन नहीं मिल रहा है? बहुत कम का बनता है सर, बनता भी है तो अब कुछ के फिंगर्स लगते हैं, कुछ के नहीं लगते हैं। अच्छा, हाँ जी सर, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। हाँ जी, ये चुनाव चल रहा है ना अभी, तो आप किसको वोट दे रहे हैं इस चुनाव में? चुनाव में जी जोन सा जीतता है सही देंगे। अच्छा ठीक है, लेकिन क्या मुद्दे रहे हैं आपके? अभी जो कोई हमारी सहायता करेगा उसका वोट देंगे हम तो। कौन बढ़िया कर रहा है? जो कोई हम अच्छा लगेगा, जो कोई सा दारू को बंद कर दारी को हम तो उसके वोट देंगे। ठीक, या दारू वारी बिल्कुल ना चला, ठीक, चाहे वो कोई है बेचारा। थाना भवन में किस तरह से आप देख रहे हैं चेयरमैन पद पर कौन काबिज होगा इस बार? अजी इस बार तो जोर आजाद समाज पार्टी का ही रहेगा, हम उनके साथ हैं, हम उन्हें वोट देंगे। और भी कई उम्मीदवार हैं अलग अलग पार्टियों से, बसपा से भी है, भाजपा से भी है, तो उनको आप कैसे देख रहे हैं?
ये क्या देखना है उनका, जब हम अपनी पार्टी के साथ है, पार्टी को समर्थन है हमारा, हम उन्हीं के साथ रहेंगे। लेकिन बसपा भी, बसपा से भी चुनाव लड़ रहे हैं, वोट नहीं बटेगा आज गठबंधन में और बसपा में दलित, उन्हें भी समझाएंगे सर, जाए जाए घर घर उन्हें बताएंगे कि पार्टी है अपनी आजाद समाज पार्टी है, शेखर भाई उनके साथ रहेंगे। चलो हम थाना भवन में थे और थाना भवन में हमने यहाँ दलित समाज के बीच बातचीत की और जानने की कोशिश की कि इस बार दलित समाज किस तरह रुख कर रहा है चेयरमैनी चुनाव को लेकर। जुड़े रहे सीसीए से, उत्तर प्रदेश तक आपको खबरें आती रहेगी। धन्यवाद।